पीछे कर दो थोड़ा और नीचे कर, अरे पीछे ठीक है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, मेरे मन की कली खिल जाती है जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। तेरे चरणों में हो वास मेरा, तेरे चरणों में हो वास मेरा, तेरी भक्ति मेरी प्यास बने, तेरी भक्ति मेरी प्यास बने। दुनिया को भुला कर घर तो मिले, दुनिया को भुला कर घर तो मिले तो सारी दुनिया बुलाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। तेरी महिमा को जिसने जाना, तेरी महिमा को जिसने जाना, वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है, वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है। दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता, तो देवाधिदेव कहता है, तो देवाधिदेव कहता है, भक्तों के लिए सुखदाता है, भक्तों के लिए सुख दाता है। दुनिया के सहारे जोड़े हैं, दुनिया के सहारे जोड़े हैं, अब तेरा सहारा चाहता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिले
जाती है जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गौड़वाड भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारसमणि जी महाराज साहब, मेरी शासन दिवाकर उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनिजी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों की पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनिजी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का
अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भावना की भावधारा में गोते लगाते हुए जीवन के आत्मा के अध्यात्म के रहस्यों से सरल शब्दों में परिचित होने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जी की इस अद्भुत रचना में समस्त आगमों का सार समाया हुआ है। तल्लीनता और आत्मीयता के साथ जो कोई भी मेरी भावना का पठन करता है या पाठन करता है या वाचन करता है या श्रवण करता है, वो आनंद में ना भरे या आनंद से ना जुड़े ऐसा हो नहीं सकता। शर्त उसकी एक ही है कि कुछ भी हो, अगर आपका दिल जिस चीज में, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो स्तुति है, चाहे वो प्रवचन है, अगर आपका दिल शामिल हो जाए तो फिर वो अमृत अंदर बरसता ही है। वो तल्लीनता छोटी सी बात को भी अमृत बना देती है, छोटे से वाक्य को ब्रह्म वाक्य बना देती है, छोटी सी बात को पूरा आगम बना देती है। ये आपकी श्रद्धा का और आपकी गहराई का चमत्कार है। तो हम ये विचार कर सकते हैं कि पंडित जुगल किशोर मुख्तियार जी ने कितनी तन्मयता के साथ इस मेरी भावना की रचना की होगी। समस्त आगमों को अपने समक्ष रखते हुए उनके अनमोल विचार बिंदुओं को हृदयंगम करते हुए फिर उन भावों के अनुरूप शब्दों का चयन करके ये अद्भुत रचना रची। और इस धर्म यात्रा को करते करते हम नौवें पद तक पहुंच गए हैं। मेरी भावना में कुल 11 पद हैं, 8 पदों तक हम सुन चुके हैं, 11वां पद, 9वां पद चल रहा है। उसमें थोड़ी देर के लिए और डुबकी लगा लेते हैं, उससे पहले उच्चारण करते हैं बड़ी तल्लीनता से, शब्दों में जाएं, अंदर प्रवेश करें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की,
दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वेर पाप अभिमान छोड़, जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुष्य जन्म की सार्थकता है ही तभी कि हम जीव से शिव बन सके, हम नर से नारायण बन सके, हम आत्मा से परमात्मा बन सके, हम मानव से महामानव बन सके, हम पुरुष से युग पुरुष बन सके। इसी के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है। और ये असीम पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। इस मनुष्य चोले को पाने के लिए हमने पता नहीं कितना पुरुषार्थ किया होगा। आज हमें ऐसा लगता है हमें सहज उपलब्ध हो गया है, लेकिन जब आप वनस्पति जगत देखोगे, त्रियंच जगत देखोगे, छोटे मोटे कीट पतंगों के जगत को देखोगे और पशु जगत की लाचारी को देखोगे, नारकियों की मजबूरी को देखोगे, देवलोक में वैभव होने के बाद भी आत्म वैभव से रिक्त देखोगे, तब पता चलता है कि मनुष्य जन्म कितना उपयोगी है। और ये बात अलग है कि अब हमारी उम्र छोटी होते होते बहुत छोटी हो गई है, लेकिन इस छोटी सी उम्र के अंदर भी आप बहुत बड़ी सोच लेकर के जी सकते हो। ये पुरुषार्थ आपको जन्मजात मिला है। छोटी सी उम्र में भी बहुत बड़े कारनामे कर सकते हो। इस छोटी सी उम्र के अंदर भी आप अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जगा सकते हो। आपके अंदर छुपा हुआ परमात्मा का जो अमृत है उसको प्राप्त कर सकते हो। ये योग्यता है आपके अंदर, और इस योग्यता के साथ ही आपका जन्म हुआ है, और इसी योग्यता की वजह से ही मनुष्य जन्म की महिमा गाई जाती है, मनुष्य जन्म की कीमत समझी जाती है। चाहे वो भावनाओं का जगत है, चाहे वो आत्मा का जगत है, आप उसके अंदर बड़ी गहराई से जा सकते हो। चारों गतियों के अंदर तीन गतियों के जीवों की कुछ ना कुछ मजबूरी है, कुछ ना कुछ लाचारी है। देवता आपके सामने वैभव में बहुत आगे हो सकते हैं, सौंदर्य में भी बहुत आगे हो सकते हैं, निरोगता के अंदर भी वो बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा का सौंदर्य जितना मनुष्य के पास है, आत्मा के सौंदर्य को प्राप्त करने की जितनी योग्यता और सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है, वो देवता में भी नहीं है। क्योंकि अगर उनमें ये रहा होता तो अनुभवियों ने ये नहीं कहा होता, देवा वितम नमम संति जस्य धम्मे सया मनो। ये नहीं कहा होता कि देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनके मन में धर्म समाया हुआ है। यानी जो धर्म आप पाल सकते हो,
जिस धर्म की आप आराधना कर सकते हो उस धर्म की आराधना करने को देवता भी तरसते हैं। आपके इसी सामर्थ्य के आगे देवलोक का इंद्र भी मनुष्य के आगे मस्तक झुकाता है, उसके चरणों में वंदना करता है। यानी देवताओं को झुकाने का सामर्थ्य, जबकि देवताओं के आगे दुनिया झुकती है, लेकिन देवताओं को अपने चरणों में झुकाने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो मनुष्य के अंदर है। पर लेकिन वो मनुष्य होगा बड़ा अद्भुत। हमारे जीवन जीने के आधार पर, जीवन शैली जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, जीवन शैली के आधार पर पूरे मनुष्य जाति को चार भाग में बांट दिया। अब देखना हम उसमें कहां पर हैं। इसे हम वृत्ति भी कहते हैं या मनोवृत्ति भी कहते हैं। वृत्ति आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो वृत्ति है, आपकी जो सोच है, क्योंकि वृत्ति पहले होती है, प्रवृत्ति बाद में होती है। पहले विचार होते हैं फिर आचार होता है। वृत्ति अंदर का मामला है, प्रवृत्ति प्रकट होने वाला मामला है। आपकी सोच क्या है वो आपकी वृत्ति है, जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति यानी अब काया की वृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं, मन की वृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। आपका जो भी ख्याल है, जो भी सोच है, उसको वृत्ति कहते हैं। और इस वृत्ति के आधार पर मनुष्य जाति को चार भागों में डिवाइड किया। राक्षसी वृत्ति आपने पहले भी सुना हो शायद, राक्षसी। एक होती है पशु वृत्ति, एक होती है मानवीय वृत्ति, और एक होती है देवीय वृत्ति। यानी एक राक्षस होता है, एक पशु होता है, एक मनुष्य होता है, एक देव होता है। देव यानी देवाधिदेव। पर लेकिन किसके आधार पर बांटा ये? राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्य को हम राक्षस क्यों कहते हैं? कोई ना कोई है ऐसी बात कि जिसकी वजह से एक आम आदमी को राक्षस की उपमा दे दी गई, लेकिन ऐसे नहीं दी गई, उसके सोच के आधार पर दी गई है। राक्षस किसको कहते हैं? राक्षस उसको कहते हैं जो अपने प्राणों के लिए दूसरों के प्राण भी लूट लेता है। इसको और सरल शब्द में कहूं कि अपने आप को जीवन देने के लिए दूसरे का जीवन छीन लेता है। इसको और आसान शब्दों में कहूं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियों को जो छीन लेता है, जिसके लिए अपनी खुशी इतनी महत्वपूर्ण है कि उस खुशी को पाने के लिए दूसरे की खुशी भी छीननी पड़े तो छीनने को तैयार हो जाता है। राक्षसी वृत्ति वाला बड़ा क्रूर होता है, क्रूर, क्रूर, निर्दयी, निर्दयी, पाषाण हृदय जिसको कहते हैं, पाषाण हृदय, पत्थर जैसा दिल, पाषाण हृदय, क्रूर, रहम नाम की कोई चीज ही नहीं, जिसको दूसरे को मारने में मजा आता है, दूसरों को रोता हुआ देख करके अंदर बड़ा सुकून महसूस करता है, दूसरे को जब तक रुलाना ले तब तक उसे शांति नहीं मिलती। यानी दूसरे की चित्कार सुनकर के उसे ऐसे लगता है जैसे कोई संगीत का आनंद ले रहा हो। दूसरे का विलाप जिसके कानों का रस बन जाता है, विलाप, संलाप, निविलाप, दूसरे की तड़फना, दूसरे का दर्द कहीं ना कहीं उसको राहत देता है। तो ऐसी वृत्ति वाला कौन होता है? राक्षस। हम लोगों में ऐसे कई लोग होते हैं, अगर दूसरा ना रोए तो मजा नहीं आता, दूसरा रोवे तड़फे तो मजा आता है। और ये संख्या बढ़ रही है, ये जब से फोटोग्राफी चलने लगी है ना, तो मैंने तो कई जगह ऐसे दृश्य देखे हैं, लोग तड़फ, कोई आदमी तड़फ रहा है, मर रहा है, और लोग उसको बचाते नहीं बल्कि उसकी
फोटो खींचते रहते हैं, उसकी मूवी बनाते रहते हैं, उसकी वीडियो बनाते रहते हैं कि इसकी वीडियो देख किस तरह तड़फ रहा है, किस तरह तड़फ रहा है, इसको कैद कर लो। शौक बन गया है आदमी को, बचाने का शौक नहीं है, वीडियो बनाने का शौक है, फिर उसको आगे बढ़ाने का शौक है कि मैंने ये काम करके दिखाया। तो राक्षसी वृत्ति क्रूरता का प्रतीक है, जो क्रूर होता है बस, जिसमें रहम नाम की कोई चीज ही नहीं, क्रूर। एक होता है पशु वृत्ति, पशु व्यक्ति, पशु वृत्ति वाला व्यक्ति कैसा होता है? देखो, आदमी में राक्षस भी है, आदमी में पशु भी है, आदमी में आदमी भी है, और आदमी में देवता भी है। और ये किसके आधार पर है? केवल भावनाओं के आधार पर, वृत्ति के आधार पर, विचारों के आधार पर, सोच के आधार पर। एक होता है पशु वृत्ति। पशु वृत्ति कैसा? पशु की एक विशेषता होती है, इसलिए उसको पशु कहा जाता है। वो क्रूर नहीं होता, पशु क्रूर नहीं होता, पशु वृत्ति वाला व्यक्ति भी क्रूर नहीं होता, लेकिन स्वार्थी होता है। पशु को स्वार्थी कहा जाता है, स्वार्थी होता है। पशु वृत्ति वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है, क्योंकि पशु को अपने से मतलब होता है। वो पहले अपने पेट भरने की सोचता है, बाद में दूसरे की सोचता है। उसे पहले अपनी चिंता रहती है, बाद में दूसरों की चिंता करता है। पशु में इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं होता जो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सोच सके, उसकी एक ही सीमा है। वो थोड़ा बहुत वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत सोच ले तो सोच ले, लेकिन पशु कभी दूसरे पशु के लिए सोचता नहीं है, उसकी सोच ही नहीं जाती वहां तक। बड़ा सीमित होता है वो, बड़ा स्वार्थी होता है। तो जिसमें स्वार्थ की प्रधानता रहती है, जिसे बस अपने सुख से मतलब है, अपनी इच्छा पूरी होनी चाहिए बस, मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं, अपने बारे में ही जो सोचे, उसे हम पशु कहते हैं। जो निपट स्वार्थी होता है, स्वार्थी व्यक्ति में स्वार्थता ज्यादा होती है। तो जो राक्षसी वृत्ति है वो क्रूर होता है, और पशु वृत्ति वाला मनुष्य स्वार्थी होता है, उसमें स्वार्थता की प्रधानता रहती है। एक होता है मनुष्य वृत्ति, इनमें समानता का व्यवहार होता है, समानता। एक क्रूरता होती है, एक स्वार्थता होती है, और एक समानता होती है। मनुष्य किसको कहते हैं? जो अपने सुख की भी सोचे और सामने वाले के सुख की भी सोचे, अपनी खुशियों का तो सोचे ही सोचे, वो अपनी खुशी के साथ दूसरे की भी खुशी को पूरा करने का प्रयास करता है कि चल कोई बात नहीं, ये खुशी जो मुझे मिली है आधी मैं इसका उपयोग कर लेता हूं, आधा सामने वाले को भी उपयोग करने देता हूं। वो आगे भी बढ़ता है। मनुष्य उसको कहते हैं जिसमें समानता का व्यवहार है, यानी जो अपने सुख की भी चिंता करे, दूसरे के सुख की भी चिंता करे, अपने दुख को मिटाने की भी चेष्टा करे तो दूसरे के दुख के मिटाने की भी चेष्टा करे, वो है मनुष्य। जहां समानता है, समभाव है, समानता का लक्षण है जहां, उसको हम मनुष्य कहते हैं। और एक होता है दैवीय वृत्ति वाला व्यक्ति। दैवीय वाला वृत्ति इस संसार के अंदर बहुत कम है, लेकिन है आज भी इस धरती पर। वो ठीक है कि वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन लोगों से ये धरती महरूम है, ऐसा नहीं है। हैं वो लोग, पर लेकिन हैं बहुत थोड़े। वो कौन से होते हैं? जो अपने सुख की चिंता नहीं करते, बल्कि दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख को भी नोछावर कर देते, दूसरों का दुख मिटाने के लिए अपने आप को भी दुख में डाल देते हैं। ऐसे भी लोग इस धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें केवल अपने ही पेट की नहीं, बल्कि अपने हिस्से की रोटी, भूखा मर रहा है, लेकिन दूसरा भूखा आ गया तो अपनी भूख की चिंता ना करके सामने वाले की भूख मिटाने में लग जाता है। ऐसे भी लोग इस धरती पर है। तो आप बताओ, हम इन चार प्रकार की वृत्ति वाले लोगों से मिलते तो होंगे, देखे भी होंगे,
बल्कि क्यों जाओ आप इधर उधर। इन चारों प्रकार की वृत्ति वालों में से कोई ना कोई, किसी ना किसी वृत्ति के हम भी होंगे जरूर, हमारे में ये वृत्ति होगी जरूर, पर लेकिन ईमानदारी से कोई देखे तब पता लगता है, अपने आप को देखे। कई लोग कहते हैं ना भाई भावनाओं को भाने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें कहना सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे, कि भाई किसी के सुख की कल्पना करने से कोई सामने वाला सुखी कोई हो जाता है, पर लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर सुखी करने के भाव अगर गहराई तक चले जाएं और आत्मा के तल को छूकर के जब वो बाहर आते हैं भाव, तो वो भाव रश्मियां बन जाती हैं, वो किरणें बन जाती हैं और सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती हैं। आपने रेकी का नाम तो सुना होगा, रेकी है क्या चीज, रेकी तो सुनी होगी आपने कि रेकी में किया क्या जाता है, सामने वाले का चेहरा हमें अपने सामने रखना है और उसको क्या बीमारी है उस बीमारी का चिंतन करना है, और हमने एक पवित्र आत्माओं से एक आह्वान करना होता है कि वो स्वस्थ होना चाहिए, उसकी वो बीमारी मिटनी चाहिए, और वो तल्लीनता जितनी गहराई में चली जाएगी, वो रेकी जितनी गहरी होती चली जाएगी, मैं यहां बैठ करके मेरे से 2000-10000 किलोमीटर दूर जो बैठा हुआ है वहां पर भी अपनी भावनाओं का असर पहुंचा सकता हूं। ये भाव की इतनी पावर है, भावनाओं में इतनी सक्षमता है, इसको समझने की बात है। मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि कहते कि तुर्किस्तान के बादशाह, तुर्किस्तान रशिया की तरफ है, ये उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ये सब उधर है, और भारत का रशिया के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, और ये जो जितने देश में बोल रहा हूं ये कभी ना कभी पूरे रशिया का हिस्से हुआ करते थे, वो आज अलग अलग हो गए हैं लेकिन कभी कभी ऐसे हिस्से थे पहले। तो तुर्किस्तान का बादशाह पता नहीं बैठे बैठे क्या दिमाग में आया, अध्ययन तो करता था वो, अपनी हिस्ट्री पढ़ रहा था तुर्किस्तान की, तो जितने बादशाह हुए उन बादशाहों के बारे में वो पढ़ रहा था कि किस बादशाह की कितनी उम्र थी, किस बादशाह की कितनी उम्र थी। तो उसने क्या देखा कि कोई भी बादशाह लंबी उम्र तक नहीं जिया, बादशाह छोटी उम्र में मर जाते थे। तो उस बादशाह ने सोचा कि हमारी जनता तो इतनी लंबी उम्र जीती है, लेकिन बादशाह होने के बाद उम्र छोटी क्यों हो जाती है, ये उसने सोचा और उसके ऊपर खोज करने लगा। अपने वजीर को बुलाया कि भैया ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैं भारत देश के राजाओं की उम्र पढ़ता हूं और तुर्किस्तान के बादशाहों की उम्र देखता हूं तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। भारत के राजा लंबी उम्र जीते हैं और तुर्किस्तान के बादशाह जल्दी मर जाते, क्यों, ये कोई ना कोई रहस्य है, क्योंकि खोजी होता है तो जरूर ढूंढता है, कोई ना कोई रहस्य जरूर है। और वजीर को कहा कि तू हिंदुस्तान जा और इसका पता लगा कि भारत के राजाओं की उम्र लंबी क्यों होती है और हमारी उम्र छोटी क्यों होती है। बड़ी मुश्किल में फंस गया, अब करे क्या, वजीर था, राजा का नौकर था, राजा के आदेश की पालना करना उसकी जिम्मेवारी थी, और ये साथ में जोड़ दिया तुर्किस्तान के बादशाह ने कि जब तक इस रहस्य का पता ना चल जाए तब तक तू वापिस नहीं आना है, हाँ वापिस नहीं आना, बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना, ये एक और कंडीशन लगा दी, क्योंकि बच्चे को साथ लेके चला गया तो तू वहीं मस्त हो जाएगा,
घर की तुझे याद नहीं आएगी, तू अकेला जा, पता लगा फिर आ। मरता क्या नहीं करता, चल पड़ा। फिर सोचने लगा कि जाऊं कहां मैं, इस बात का रहस्य का पता लगाऊं तो लगाऊं कहां से। तो वो पाटलिपुत्र आया, उसने सुना था कि भारत का जो सबसे बड़ा महामंत्री है चाणक्य, क्योंकि उस समय चंद्रगुप्त का राज्य था और उसका महामंत्री कौन था, महामंत्री चाणक्य था, महामात्य चाणक्य थे, और वो भारत का सबसे बड़ा विद्वान था, क्योंकि ऐसे ही पूरे देश का महामंत्री बन नहीं सकता कोई बुद्धिमान ना हो। और जिसने स्वयं चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, तो पाटलिपुत्र पहुंचा। वहां पहुंचा तो किसी से पूछा कि महामात्य चाणक्य कहां रहते हैं, तो लोगों ने कहा चाणक्य उस पहाड़ी के ऊपर जो सामने झोपड़ी नजर आ रही है, महामंत्री वहां रहते हैं। अगर हैं, भारत देश का महामंत्री एक पहाड़ी पर झोपड़ी के अंदर, उसकी तो खोपड़ी फिर गई, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि महामंत्री तो राजा के समकक्ष होता है और उसका बहुत बड़ा महल होगा, बहुत बड़े ठाट बाट होंगे। जब झोपड़ी का नाम सुना, ओहो, फिर वो वहां चला, चढ़ा, चढ़ने में सांस फूल गया, पहुंचा किसी तरह। तो झोपड़ी में से एक धोती पहने हुए और अंगोछा डाले हुए और कंधे पर एक मटका लिए हुए आदमी बाहर निकला। जैसे वो बाहर निकला तो जो तुर्किस्तान का वजीर था, उसने कहा, अरे भाई साहब जरा रुको, हमको महामात्य महामंत्री चाणक्य से मिलना है। हाँ बोलिए, महामंत्री चाणक्य से मिलना है। तो बोला, बोलिए आप कि आप महामंत्री हो। ने कहा, मैं ही महामंत्री चाणक्य हूं। हैं? क्योंकि एक धोती पहन रखी, ऊपर से एक उत्तरीय वस्त्र धारण कर रखा है और ऊपर से एक मटका कंधे पर रखा हुआ, पानी लेने के लिए बाहर जा रहा था। आप महामंत्री चाणक्य हो? हाँ मैं हूं। कहां जा रहे हो? पानी लेने। कोई नौकर नहीं है? नहीं, मैं नौकर नहीं रखता। है कमाले यार, वो तो चक्रा गया। उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी पानी लेकर के आता हूं, आप बैठो आराम से। वो झोपड़ी को देखा उसने, यार जिसका पूरे भारत, क्योंकि कजाकिस्तान एक छोटा सा देश था और भारत उसके मुकाबले बहुत बड़ा देश था, और उसका महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है, वो तो उसकी तो खोपड़ी काम नहीं कर रही। बैठ गया, पानी लेकर के आए, गिलास में पानी दिया, कहा पहले आप पानी पीजिए। पानी पिया, वो सोचने लगा जो पानी खुद ही पिलाता है वो बनाएगा क्या, खिलाएगा क्या, यहाँ तो लगता है मामला खाना पीना भी सीधा साधा ही चल रहा है। वो हिसाब लगा रहा था, मेरी ये अगवानी होगी, मेरी ये पूजा होगी, मुझे खाने को ये मिलेगा, मेरा ये आतिथ्य सत्कार होगा, मुझे ठहरने की इतना आलीशान जगह मिलेगी, जिसका महामंत्री खुद ही झोपड़ी में रहता है, मुझे भी जमीन में ही लेटना पड़ेगा लगता है। वो बेचारा, वो तो अपने लिए मखमली गद्दों की कल्पना कर रहा था, पर लेकिन उसको यहां वहां, क्योंकि वहां मखमली गद्दा था ही नहीं, जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी और एक दरी पड़ी हुई थी और उसी के ऊपर वो लेटा करते थे महामंत्री। जैसे ये लेटा ऐसे हमें भी लेटना पड़ेगा। चल छोड़ो, वो पानी पिलाया, कहा कि आप नीचे चलो। कहां? राजसभा में, क्योंकि आप एक देश के वजीर हैं तो वजीर का सम्मान वजीर के तरह ही होना चाहिए। उसे थोड़ी राहत मिली, उनके यार कमाल है, कहीं और जाएगा। आया भरी सभा में, एक वजीरों का जिस तरह सम्मान होता है वो सम्मान किया और एक बहुत बड़ी गद्दी के ऊपर उनको बिठाया गया।
सम्मान होने के बाद फिर बाहर आए। तब चाणक्य ने कहा कि आप किस हेतु यहां पर आए हो? कहा, मैं हमारे बादशाह ने पूछवाया है कि हिंदुस्तान के राजाओं की उम्र लंबी क्यों होती है और हमारी उम्र छोटी क्यों होती है। ओ, ये मामला है क्या? तो इसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। हाँ, मैं रुकने को तैयार हूं, हमारे बादशाह ने भी कहा है कि चलो मेरे साथ। उसको एक आलीशान बंगला दिया ठहरने को, फिर जगह बताई, फिर कहा कि चलो बाहर चलो। फिर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वट वृक्ष था, बहुत बड़ा वट वृक्ष था, वहां उसके पास आया। कहा कि आपके सवाल का जवाब तब मिलेगा जब ये वट वृक्ष सूख जाएगा। हाँ, और सुनो, जब तक ये वट वृक्ष सूखेगा नहीं तब तक तुम यहां से जा नहीं पाओगे, आप हमारी कैद में हो। वट वृक्ष जब सूखेगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वट वृक्ष इतना बड़ा, कहा कि इसकी उम्र कितनी है? कहा कि 300 साल की उम्र है इस वक्त। हाँ, ये 300 साल से ऐसे ही है। मैंने कहा ऐसे ही है, 300 साल में नहीं सूखा। वो सोचने लगा, वजीर की बच्चा तू तो गयो, तुझे अब बाल बच्चे मिलने वाले नहीं, तुझे अपनी जन्मभूमि जाने का मौका मिलना नहीं। 300 साल से तो ये सूखा नहीं, और अब ये कौन सा सूखने वाला है? और ऊपर से ये कंडीशन लगा दी कि तू जा नहीं सकता। वजीर तो, चाणक्य तो चले गए, वजीर वहां खड़ा रह गया। अब बच्चे याद आने लगे, वहीं से कहने लगा बच्चों से, बस मेरा यहीं से परिणाम स्वीकार कर लेना बच्चों, अब मैं तुम मेरा और मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मामला ही ऐसा हो गया है, इतना बड़ा वट वृक्ष सूखना तो है नहीं, मैं जरूर सूख जाऊंगा। रोज आता, पेड़ के नीचे खड़ा होता, उसे कहता है भाई सूख जा, सूख जा, मेरे बच्चे मेरी याद में मर रहे हैं, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, सूख जा भाई। रोज आता, रोता, क्योंकि गिड़गिड़ाता, बच्चों की बहुत याद आ रही है, अपने वतन की बहुत याद आ रही है, और वो जा नहीं सकता, बच्चों से मिल नहीं सकता, क्योंकि पेड़ हरा भरा है। वो रोज कहता सूख जा बाबा, सूख जा। खाता नहीं, पीता नहीं, बस इसी धुन में लगा रहता है, कब सूखेगा, कब सूखेगा, मुश्किल है, तू तो गयो। तो कहते हैं कि वो 90 दिन में पीपल का वृक्ष सूख गया। जब वो सूखा, ओए, वजीर इतना खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा चाणक्य के पास पहुंच गया। कहा महामंत्री जी सूख गया क्या वो वृक्ष जो मेरे सामने था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, हो गया, आप चलो तो सही। वो इतना खुश है और इतना उछलता हुआ आ रहा है, इतना उछलता हुआ आ रहा है। वहां पहुंच गए, चाणक्य ने कहा हाँ भाई सूख तो गया जी, मेरे सवाल का जवाब दो और मैं चलता हूं यहां से। कहा कि तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया। क्या मतलब? हाँ, जवाब तो मिल गया। कहा कि मैं समझा नहीं। कहा कि तुम देखो, इस पेड़ के अलावा कोई पेड़ नहीं सूखा, बल्कि इसके बराबर में और कई पेड़ लगे हुए हैं, वो वैसे के वैसे हैं, यही क्यों सूखा? वो इसलिए सूखा, तूने लगता है कोई
कुरान का मंत्र पढ़ा है। नुके मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई मुसलमानी मंत्र पढ़ा है तूने? नुके मैंने कोई मंत्र ही नहीं पढ़ा। फिर ये कैसे हो सकते है? जो वृक्ष 300 साल में नहीं सूखा वो 90 दिन में कैसे सूखा? बता तूने किया क्या? नुके मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां आकर के मैं बोला करता था भाई सूख जा। मुझे बच्चों की याद आ रही है, मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं रोया करता था यहां बैठ बैठ करके। नके बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। हमारे भारत देश के राजाओं के लिए हमारी देश की जनता दुआएं मांगती है लंबी उम्र की। क्यों मांगती है? क्योंकि हमारे देश के राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी आती है उस कमी को दूर करते हैं और खुद अपने आप को सेवक मानते हैं, प्रजा का सेवा करते हैं हमारे देश के राजा अपनी प्रजा की। और तुम्हारे यहां तुम्हारे जो बादशाह हैं अपनी खुशियों के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपनी विलासिता के लिए जनता के ऊपर लंबे लंबे टैक्स लगाते हैं, उनका खून चूसते हैं, और जिसके लिए जिनका खून चूसा जाता है वो किसी के लिए जीने की दुआ तो मांगेंगे नहीं। तुमने अकेले ने इस वृक्ष को सुखा दिया, ये खत्म हो गया, तो तुम्हारे राजाओं, तुम्हारे जो राजा हैं उनके जुल्म सितम इतने ज्यादा होते हैं, वो इतने राक्षसी वृत्ति के होते हैं, वो इतने क्रूर होते हैं, वो अपनी खुशियों के लिए जनता का खून चूस लेते हैं। और जिस जनता का खून चूसा जाता है वो जनता कभी उनकी लंबी उम्र की दुआ नहीं मांगती है। इसलिए तुम्हारे राजाओं की उम्र छोटी होती है और हमारे राजाओं की उम्र बड़ी होती है। हो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। वो गया, कहा तुम लंबी उम्र जी नहीं सकते। तो क्या हो गया? और सुनो, आगे से मैं भी महलों में नहीं रहूंगा, मैं भी झोपड़ी में रहूंगा, मुझे कोई मौज मस्ती नहीं मारनी। अबे हो क्या गया? जब सारी बात बताई, जब तुर्किस्तान के बादशाह को पता चला कि दुआओं में कितना दम होता है और बददुआओं में भी कितना दम होता है, बददुआ वाले की कभी बड़ी उम्र नहीं होती और जिनको कई दुआएं देते हैं उनकी कभी जल्दी से मौत नहीं होती, कहीं ना कहीं दुआओं का प्रभाव होता है, यह है प्रभाव। इसलिए बोल रहा है कवि, सुखी रहें सब, दूसरों के लिए दुआ मांगना सीखिए। आप इतने स्वार्थी मत बनिए कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियों को छीन लो। आप दूसरों की खुशियों के लिए दुआ मांगिए, तुम्हारी झोली अपने आप भरी रहेगी, तुम्हें तरसने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरों की बददुआ लेते रहोगे तो जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी आपदा आती है, उस आपदा में सब कुछ तबाह हो जाएगा। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे
सत छोड़ा पत जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गए सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगो यह सुन लो। हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग सुन रहे थे कि महारानी तारा ब्राह्मण के घर बिक गई है 500 मोहरों में, और राजा हरिश्चंद्र 500 मोहरों में चंडाल के घर बिक गया है। ये कल पटाक्ष टेक हो गया। 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए दोनों पति पत्नी ने अपने आप को काशी के बाजार में बेच दिया। ये वो खासियत है जिस खासियत की वजह से लाखों साल होने के बावजूद भी हरिश्चंद आज भी जिंदा है, गाया जा रहा है, बोला जा रहा है और सुना जा रहा है। ये वही खासियत है। अब तारा का क्या होता है लो सुनते हैं। राज महल की वासनी तारा ब्राह्मण गे धन्य सत्य की पूर्ति में बेची अपनी देह। महलों में रहने वाली ब्राह्मण की झोपड़ी में पहुंच गई है, सत्य की पूर्ति के लिए अपनी देही को बेच दिया है। वाह क्या करिश्मा होगा, क्या जिंदा दिली होगी, कितना धर्म के लिए मर मिटने का उत्साह होगा। भाग्य चक्र के परिवर्तन से सब जग संकट पाता है, पाप कर्म के दुष्फल पाकर रोते जन्म गवाता है, किंतु सत्य के कारण जो नर नारी दुख उठाते हैं, वे क्षण भंगुर जग में अपना नाम अमर कर जाते हैं। भाग्य चक्र के परिवर्तन से यानी पाप के उदय में आने से कई लोग दुख प्राप्त करते हैं, कई लोग दुख पाते हैं पाप कर्मों के उदय आने पर, और पाप कर्म का जब उदय आता है तो आदमी की खासियत बतलाता हूं
कि जब पाप की वजह से आदमी दुखी होता है तो वो रोता है, चिल्लाता है, दूसरों को दोषी ठहराता है, दूसरों को गाली देता है, दूसरों के लिए बददुआएं देता रहता है, जो पाप के कर्म के उदय में आने से दुखी होते हैं। लेकिन जो धर्म के लिए दुखी होते हैं, धर्म के लिए सब कुछ नौछावर कर देते हैं, वो कभी दुख में भी दुखी नहीं होते और दुखदाता के प्रति भी कोई दिल से बद्दुआ नहीं देते। वो जानते हैं मैं एक परीक्षार्थी हूं, सामने वाला एक मेरा टीचर है, मेरा परीक्षक है, वो मेरी परीक्षा ले रहा है और परीक्षक को अधिकार है परीक्षा लेने का। अगर मैंने किसी विद्यालय में प्रवेश किया है, दाखिला लिया है, तो परीक्षा तो भैया मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने पाठशाला में दाखिला लिया है ना, वो परीक्षा देते हैं। जिन्होंने पाठशाला में दाखिला नहीं लिया वो परीक्षा के अंदर बैठ नहीं सकते। क्या बात है, पापी बनने में दुख क्या है, कोई भी बन सकता है। पापी बनने में दुख क्या है, कोई भी बन सकता है, पर धर्मी बनने में तन का सोनित कन कन जलता है। पापी बनने में कौन सा जोर लगता है, कोई भी बन जाओ, लेकिन धर्मात्मा बनने में हिम्मत भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, उल्लास भी चाहिए, धर्म के प्रति समर्पण भी चाहिए। धर्म के लिए जो व्यक्ति सब कुछ नौछावर कर देता है उस व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है। पाप से कोई दुखी होता है, बर्बाद होता है, कोई भी उसका नाम नहीं लेता है। और आपने देखा दोनों पति पत्नी केवल सत्य धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कष्ट में डाल दिया है, नहीं तो कोई छीना झपटी कोई कर रहा था। विश्वामित्र ने राज्य मांगा, कह देता नहीं देता तो कौन क्या कर लेता, पर लेकिन एक बात तो होती, अगर राज नहीं देते तो आज हरिश्चंद्र की गुणगाथा नहीं गाई जाती, वो भी दबा जाते कहीं। और देखिए भरी बाजार में सत्य धर्म के लिए अपने आप को बेच दिया तो ही उनकी गुणगाथा गाई जा रही है। यानी जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने आप को, अपने आप के स्वार्थ को त्याग देता है। दोनों पति पत्नी अलग अलग हो गए, कहा कि पति पत्नी ने अलग होने का निर्णय कर लिया लेकिन झूठ के आधार पर एक साथ रहना स्वीकार नहीं किया है। अब आपको उस ब्राह्मण की कोठरी तक ले जाता हूं जहां पर तारा बैठी हुई है, रात हो रखी है। ब्राह्मण का छोटा सा घर है, एक और बैठी तारा, धुंधला सा एक दीप तिमर से कांप रहा है बेचारा, भूल रही है खाना पीना, हृदय अग्नि सा धधक रहा, आंखों के पथ पर आंसू का झरझर प्रबल प्रवाह बहा। महारानी तारा ब्राह्मण के द्वारा दी गई एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी हुई है, रोहित उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है, उसको थपथपा रही है, रोहित सो गया है। झोपड़ी में एक दिया जल रहा है और तारा सोच में बैठी हुई है। क्या सोच रही है, देखो वहां पर भी वो अपनी चिंता नहीं कर रही है, वहां पर भी पति की चिंता कर रही है। क्या कर रही है, हा पति देव कष्ट है भीषण, तुमको छोड़ चली आए दासी बनकर भी संकट को दूर नहीं मैं कर पाई।
सुख से दुख से किसी तरह से मैंने तो आश्रय पाया, पता नहीं तुम कहाँ किस तरह देव विकट तेरी माया। आधा ऋण था शेष चुकाया गया कि किंवा नहीं गया, कौशिक क्रोधी बड़वा नल है आती उनको नहीं दया। परम पिता परमेश्वर मेरी और नहीं कुछ भी आशा, पति मेरे सानंद रहे बस एक यही है अभिलाषा। याद कर रही अपने पति को कि तुमको छोड़ करके आई मुझे बहुत दुख है, और उससे भी बड़ा दुख यह है कि मैं आपको पूरी तरह से संकट से मुक्त नहीं कर पाई। मैंने तो किसी तरह से सिर ढकने का आश्रय प्राप्त कर लिया, लेकिन पता नहीं आप किस हालात में होंगे, पता नहीं वो आधा ऋण 500 मोहरों का चुकाया गया कि या नहीं गया होगा। हे परमात्मा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, चाहे मेरे पति मुझे मिले ना मिले चलेगा, लेकिन उनका धर्म बचना चाहिए, उनका धर्म बचना चाहिए, उनके धर्म की रक्षा होनी चाहिए। ऐसी सोचती रही, बैठी रही, पुराने दिनों को याद करती रही, पति के लिए दुआ मांगती रही। इस प्रकार मालूम है बिना पलके झपकाए सारी रात बीत गई, सो नहीं पाई। इस प्रकार चिंता में घुलते घुलते रात बिता दीनी, पल भर की भी नहीं सती ने आंखों में निद्रा लेनी। हृदय और मस्तिष्क तुम्हारा अगर कुछ काम देता है, भाइयों सोचो इस हालत में नींद कौन जन लेता है। कवि ने बड़ी गहरी बात कही है कि अगर जिसके पास दिल और दिमाग है, जिसके पास सोचने वाला दिमाग है और महसूस करने वाला दिल है, वो जरूर महसूस कर सकता है कि ऐसी अवस्था में किसको नींद आ सकती है, ऐसी अवस्था में किसको नींद आती है। और देखिए, काम में कहीं रुकावट नहीं। प्रातः काल हुआ प्राची में, दिव्य नभो मणिया चमके, आलोकित हो उठा जगत सब फूलों के आनंदम के। अंधकार तारा के दिल में किंतु और गहरा छाया, बाहर का आलोक हृदय का तिमिर दूर कब कर पाया। पर अपना कर्तव्य समझ कर जुटी काम में सिर तारा, झाड़ू चौका बर्तन करके काम किया सुंदर सारा। प्रथम दिवस में ही ब्राह्मण की पत्नी को यूं चकित किया, मिश्र और मिश्रानी जी का खुलकर आशीर्वाद लिया। भोजन चप कर लेते सब जन तब कुछ खाद्य विरस पाते, रोहित को सहसन खिलाकर शेष स्वल्प खुद भी खाती। दिन निकल गया है, पूरी काशी नगरी में उजाला आ गया है, लेकिन कहीं अंधेरा है तो तारा के दिल में अंधेरा है। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में अंधेरा हो जाता है, हजार सूरज भी चमक जाएं तो भी उजाला नहीं होता है। जिनकी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती, उनके सामने हजारों बल्ब भी क्यों ना जले हों, तो भी उस रोशनी का आनंद वो नहीं ले सकते, क्योंकि रोशनी तो खुद की ही आंखों की काम आती है। प्रातः काल उठी, काम में जुट गई, झाड़ू क्या, चौका क्या, बर्तन क्या, भोजन क्या, रसोई क्या, आहा, सारा काम इतने सुंदर तरीके से संपन्न किया, दो ढाई घंटे में काम इस तरीके से निपटा दिया। मिश्रानी सोचने लगी, हे बहुत काम करने वाली है। उसने अपने बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया, आ इधर आ, उसकी पीठ पे थाबासी दी, नुके
दासी बहुत अच्छी लायो तू, हाँ बुढ़ापे का सारा हो गया, 500 मोहरे अब खटकेंगी नहीं, बहुत सुंदर काम कियो। और मिश्रानी ने खुद से अपने गले से लगा लिया, कहा बेटी कमाल कर दिया तूने, तू वास्तव में हमारे बुढ़ापे का सहारा बन के आई है। यानी दोनों मिश्र और मिश्रानी ने, पंडित और पंडितानी ने, दोनों ने मिलकर के उसको आशीर्वाद दिया, वाह काम हो तो ऐसा। रसोई बना दी, सबको खिला दिया, बाकी जो बचा जो ब्राह्मणी ने उसे दिया वो लिया और अपनी झोपड़ी में आई। रोहित को बुलाया और कहा बेटा पहले तू खा, ये दृश्य महसूस करना, क्या गजब का दृश्य होगा, क्या ममता की मूरत है वो। एकदम बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे बिठाया और अपने हाथ से उसे खिलाया। जब उसका पेट भर गया, थोड़ा सा जो भोजन बचा उसको खुद खा लिया और काम में जुट गई। समय बीतने लगा, समय बीता तो कैसे बीता, इसी तरह से धीरे धीरे भूतकाल की स्मृति उज्जवल, लगे भूलने तारा रोहित, समझ समय की गति चंचल। बीते कुछ दिन बड़ी शांति से, किंतु भाग्य में शांति कहाँ, सत्यवती तारा के पीछे एक भूत लग गया वहां। कुछ दिन तो आराम से बीते, और ये आप लोग भी जानते हो, हर जख्म का एक ही इलाज होता है और उस इलाज का नाम है वक्त। समय गुजरता चला जाता है, इस समय में बहुत बड़ी ताकत है, बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। हाँ ये समय की ताकत है। पुराने बातों को भूलने लगे, उसी जीवन को स्वीकार कर लिया, शांति से दिन बीत रहे थे। लेकिन करें क्या, किस्मत में जब शांति नहीं हो तो अशांति का कोई ना कोई बहाना तैयार हो जाता है, और वो वहां हो गया तैयार। क्या हुआ, वृद्ध विप्र का एक पुत्र था, नालायक मक्कार बड़ा, वज्र मूर्ख अतिकामी लंपट, हृदय पाप से मलिन सड़ा। बालकपन में लाड प्यार में खेला, कूदा नहीं पढ़ा, युवक हुआ तो दुसंगति में, पढ़ कुमार्ग की ओर बढ़ा। घूम रहा था बाहर धक्के खाता, दुष्कृति का मारा, एक दिवस आ गया अचानक, काल मूर्ति सा हत्यारा। उस ब्राह्मण का एक लड़का था, एक ही लड़का था, और उसको इतना लाड प्यार दिया दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने, इतना लाड प्यार दिया कि उसको पढ़ने के लिए अपने से दूर नहीं भेजा। मां बाप ये सोचते थे इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, पढ़ने दिया नहीं, गुरुकुल में भेजा नहीं, दोस्तों में भटकने लगा। उसकी उम्र के जितने भी लंपट दोस्त थे, जो बिगड़े हुए बच्चे थे, उनके साथ वो रहने लगा और उनके साथ वो बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, ब्राह्मण कुल में होते हुए भी संस्कारी नहीं बन पाया, क्योंकि ममता ने संस्कार ही नहीं बनने दिया। इसलिए कहा कि मां बाप को भी ये ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को कितना प्यार देना है और कितनी मार देनी है। मार भी सुधार के लिए होती है, लाड़ उतना ही दीजिए कि आपका दुलारा संभला रहे। अगर ये भी मर्यादाहीन हो गई
तो आपका भविष्य खुद ही बिगड़ जाएगा, बच्चे का तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। वही हुआ, जवान हो गया, गंदी आदतें पड़ गई, कामी और लंपट हो गया, गंदे बच्चों के संस्कारों में पड़ गया, चोरी करता है, भाग जाता है, पैसा खत्म होता है, फिर आ जाता है और फिर उसे गले लगा ले, आ जा मेरे बच्चे। तो एक दिन अचानक वो आ गया, बाहर तारा झाड़ू लगा रही थी। वो सोचने लगा, घर में तो मैं बूढ़े और बुढ़िया को छोड़ के गया था, ये तीसरा कौन टपक गया। तारा को लक हुआ विमोहित, आह रूप कितना सुंदर, दासी क्या है स्वर्ग अप्सरा, मिला योग कितना सुंदर, सुंदर असन वसन के द्वारा, जो ही चाहा फुसलाना, तारा थी भी दूसी कब, उसको भला शक्य था बहकाना। जैसे ही तारा का रूप का वैभव देखा, ओ दीवाना हो गया वो तो। अंदर गया पिताजी के पास, कहा बूढ़े कमाल कर दिया तूने, अब बोलने की तमीज जैसी थी वैसी बोलता। मैंने कहा बूढ़े कमाल कर दिया तूने, ये तू कहां से लेकर के आ गया। कहा बेटा भद्र नारी है और हर औरत के लिए गंदी जबान, ऐ छोड़ ना, तेरा दिमाग खराब हो रखा है, तेरे मतलब की कोई है, वो हमारे मतलब की है। अब बच्चे के आगे वो ज्यादा बोले नहीं, अब वो सोचने लगा कि इसको मैं काबू में कैसे करूं। जो भी हथकंडे होते हैं वो अपनाने लगा, सुंदर कपड़े देने लगा, स्वादिष्ट भोजन देने लगा। लेकिन तारा ने ब्राह्मण के लड़के की नजर पहचान ली और कहा, मैं दासी मुझको ये सुंदर भोजन वस्त्र न भाता है, साधारण सा रहन सहन ही शास्त्र हमें बतलाता है, दासी है हम किंतु हमें भी धर्म हमारा प्यारा है, पति विहीन श्रृंगार हमें तो तीक्ष्ण नग्न असिधारा है। कहा कि मालिक हम दासी हैं और दासी में और मालिक में फर्क होना चाहिए, हमको वो वस्त्र नहीं पहनने जो हमारे मालिक पहनते हैं या मालकिन पहनती है, क्योंकि हमें ये अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए कि हम दास हैं दासी हैं, इसलिए हमको ना गरिष्ठ भोजन चाहिए, ना स्वादिष्ट भोजन चाहिए और ना ही सुंदर वस्त्र चाहिए, हमको जो मिला है हम इसी में खुश हैं, और दूसरी बात हम दासी हैं लेकिन धर्म हमारा भी है, हमारे अभी पति हैं और पति हमारे साथ नहीं रहते हैं, इसलिए पति के बिना नारी को श्रृंगार करना अच्छी बात नहीं है। जितनी भी सजावट होती है एक औरत अपने पति के लिए करती है, किसी और के लिए सजावट नहीं करती है, इसलिए हमको ये आपका वस्त्र आभूषण और स्वादिष्ट भोजन हमको नहीं चाहिए। वो सोचने लगा, जब मेरे लालच में नहीं आएगी तो ये फिर मेरे काबू में भी नहीं आएगी, जब ये अपने धर्म की पक्की है तो मारो धर्म मारो काम बनने वालों नहीं है, और जब उसकी पेश नहीं चली तो सोचने लगा दूसरा रास्ता क्या अपनाऊं। फिर उसने दूसरा रास्ता अपनाया सताने का, पहला रास्ता था सजाने का और दूसरा रास्ता था सताने का, क्योंकि आदमी या तो सजावट के ऊपर मरता है या सताने के ऊपर मरता है। तो सोचने लगा कि ये वैसे तो फुसलाहट में नहीं आएगी, जब भूखी मरेगी इसका बच्चा भूखा मरेगा तो अपने बच्चे के लिए जरूर वो झुक जाएगी, पर उसे ये नहीं मालूम वो किस मिट्टी की बनी हुई है। मेरे तेरी इस झोपड़ी के पीछे वो पागल है, जिस औरत ने महल छोड़ करके आ गई है, जिस औरत ने सत्य के लिए अपने पति को छोड़ दिया, वो तुझे अपनाएगी क्या। पर लेकिन उसे क्या पता ये जो औरत
सादे और सीधे कपड़ों में लिपटी हुई है, वो कोई देवी है, कोई आम औरत नहीं है। वो नहीं जानता था इस चीज को। जब नहीं आई काबू में, रोहित को पीटने लगा, बिना बात पीटने लगा, उनकी भोजन की कटौती कर दी। मां को कहा, खबरदार, भोजन देना नहीं इसको, भूखा मरने दो इसको, बहुत नक चढ़ी है ये, बहुत इतराती है, देखता हूं इसकी अकड़ कितने दिनों तक चलती है। इस प्रकार भोजन तो मिलता था चोरी चोरी, रूखा सूखा, पर अपने बच्चे को पहले खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। उधर देखिए क्या होता है। हरिश्चंद्र भी बन गए भंगी के घर दास, किंतु न छोड़ा सत्य का अपना दृढ़ विश्वास। क्या गजब किया है राजा हरिश्चंद्र ने कि सत्य का विश्वास, सत्य के प्रति आस्था इतनी जबरदस्त कि अपने आप को किसके घर बेच दिया, चंडाल के घर बेच दिया। वाह, धर्म नहीं जाना चाहिए। और उसकी एक खासियत भी थी, हमारे लिए तुम्हारे लिए वो चंडाल था, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए उसका वो मालिक था, उसका वो भगवान था। इसलिए वो भगवान मानता था कि पूरी काशी के अंदर बड़े बड़े ब्राह्मणों ने भी उसके दर्द को नहीं समझा, एक चंडाल कुल में रहने वाले एक चंडाल ने उसके दर्द को समझा, उसकी कीमत को समझा, और उसके लिए अपनी 500 मोहरें खर्च कर डाली कि नहीं, ये 500 मोहरों में भी सस्ता सौदा है, इतनी महान आत्मा मेरे घर आएगी। इसलिए तो कहता हूं, सोच जो होती है ना, किसी जात पात की मोहताज नहीं होती। ऊंचे कुल वालों की भी छोटी सोच हो सकती है, और छोटी जात वालों की भी ऊंचे विचार हो सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं जब वो हरिश्चंद्र को लेकर के, उसका हाथ पकड़ करके, एक हाथ में लठ लेकर के, उसका हाथ पकड़ करके जब वो अपने घर लेकर के जाता है, किसको, हरिश्चंद्र को, चंडाल जब अपने घर लेकर के जाता है। हरिश्चंद्र भी सेवक बनकर भंगी के घर पर आए, सत्य धर्म की रक्षा के हित अर्पण तन मन कर आए। भंगी ने अपनी नारी से कहा, बड़े ही सज्जन है, विपत ग्रस्त हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी बड़े विलक्षण हैं, नौकर इनको नहीं समझना, सादर नित सेवा करना, अनुचित हो व्यवहार न कुछ भी इसका ध्यान सदा रखना। राज हंस का वाम भाग्य है, गांव तलैया पर आया, किंतु तलैया भाग्यवती है, अतिथि हंस सुंदर पाया। ऋषि के ऋण में बंधे हुए थे, मोहर 500 में लाया, सफल कमाई आज हुई है, श्रेष्ठ पुरुष घर में आया। ए सुनती है, हैं कौन आयो भाई, वो चूल्हे पे काम कर रही थी, गुंगट बड़ा कड़ो हुए थो, देख कौन आयो, खड़ी होगी, ये बहुत सज्जन है, मुसीबत के मारे हैं, ज्ञानी बहुत हैं, धर्मात्मा बहुत हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा बंदा नहीं देखा। देख सुन, तुझे मैं एक बात कान खोल कर सुनाना चाहूं। हां जी बोलो जी, के कहो, क्योंकि यही भाषा होती है उनकी।
बोलो जी के कहो। बात ये कहूं हूं मैं, इसको नौकर नहीं समझना, नौकर नहीं है ये महात्मा है, ये ज्ञानी है, इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना। फिर उस चंडाल ने क्या उपमा दी है कि राजहंस का वाम में भाग्य है गांव तलैया पर आया, कि राजहंस के दिन खराब थे, जो हमारी गांव जैसी एक तलैया यानी झोड़ तालाब, गांव का जो छोटा सा झोड़ होता है तालाब होता है, नहीं तो जो ये बंदा है ना, ये मान सरोवर का हंस है, मान सरोवर में रहने वाला, जहां कोई कीचड़ नहीं, जहां कोई मछली नहीं, जहां बिल्कुल शुद्ध जल है, मोती जहां बरसते हैं, ये उस तलैया का राजहंस है। लेकिन किस्मत इसकी खराब है कि आज हमारे घर की गांव की तलैया पर आया है, किस्मत इसकी खराब है, लेकिन हमारी गांव की तलैया का सौभाग्य है जो ऐसा महान राजहंस हमारे घर पर आया है। सुन, एक बड़े ऋषि को दक्षिणा दी है, हाँ 500 मोहरे देकर के लाया हूं, और मेरी जिंदगी में ये पहला दिन है कि अपनी नेक कमाई से एक श्रेष्ठ पुरुष मेरे घर में आया है। हाथ जोड़ नमस्कार कर। जब 500 मोहरों की बात सुनी, चंडालनी का दिमाग खराब हो गया। ओ, पांव पटकती, बुदबुदाती, बड़बड़ाती गई अंदर और बड़बड़ करने लगी। और आपने कभी देखा होगा, अब आप लोग तो गैस के ऊपर रोटी बनाते हो, लेकिन वो मैंने वो नजारा देखा है जब चूल्हे के ऊपर रोटी बनाया करती थी माँ, और बाप की कोई बात पसंद नहीं आती थी तो उपले होते थे ना गोबर के उपले, उन तोड़ने को तो आराम से भी तोड़ सकती थी, लेकिन गुस्सा आता तो धड़ाकती सी मारती थी, लकड़ी को पटापट तोड़ती थी, फिर अंदर डालती थी और बड़बड़ाती रहती थी। वही काम चल रहा है। हाँ, क्या बोली, काम नहीं कुछ लेना इससे, हैं? काम नहीं कुछ लेना इससे, तो क्या सूरत देखूंगी, मुहर 500 दे कर आया, क्या चूल्हे में फूकूंगी, कोड़ी कोड़ी जोड़ भूख को सहकर द्रव्य कमाते हैं, धर्मात्मा बढ़ने की धुन में यूं बेदर्द लुटाते हैं। क्या बोली, शर्म नहीं आई, 500 मोहरे में इस थूट को लेकर के मेरे घर में आ गया, इसे काम नहीं लेना, रोज इसकी सूरत देखनी है, रोज इसकी पूजा करनी है, पेट काट काट के पैसे जोड़ते हैं हम, हर धर्मात्मा बनने की क्या धुन चढ़ी, 500 मोहरे खर्च कर आया इस आदमी के लिए। हाय धैया धैया, मेरे भाग फूट गए, मेरी किस्मत फूट गई, जो ऐसा बंदा मेरे नसीब में लिखा था। अजी, चंडाल की तो इज्जत उतर गई। उसने कहा, भैया तो औरत ज्यादा ही बोलने लग गई। भंगी ने हो क्रुद्ध जोर से कलिहारी को फटकारा, मार रहा था हरिश्चंद्र ने बड़ी कठिनता से वारा। जो वो बड़बड़ कर रही थी उसने भी लठ उठा लिया, उन्होंने कहा आज मैं तेरा ही काम तमाम कर देता हूं, हैं? ज्यादा जवान चलानी आती है तुझे, इज्जत नहीं है मर्दों की घर के अंदर। मारने को जब चढ़ा तो हरिश्चंद्र सामने आ गया और अपने मालिक की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, नो, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाते मालिक, देख, हाँ देख इसको, ये कह रहा है औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना, और तू बड़बड़ किए जा रही है।
मालिक को पकड़ के एक तरफ ले गए, शांत हो जाओ, पानी पिलाने लगे कि पानी पियो, है ना, ऐसी कर लिया करो कभी कभी, इधर गुस्सा आए तो पानी जरूर दे दिया करो ना, कहीं पानी पूनी तो देते नहीं, बात देने लग जाते हैं, कुछ के कुछ बात के ऊपर बात निकालने लग जाते हैं, थोड़ा शांति हो जाओ, दूसरा बोल रहा है तो बोलने दो उसको, भड़ास निकाल रहा है निकालने दो या निकलने दो, क्योंकि एक टाइम में एक को ही बोलने दिया करो, हाँ, क्योंकि दोनों बोलोगे तो काम कभी भी खराब हो सकता है। हाँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ साधु होकर के, मुझे तुम्हारी गृहस्थी की देखो कितनी चिंता है, हमने खुद ने तो बसाई नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं जो हमारे श्रावक और श्राविका हैं वो कम से कम सुख और चैन से अपने घर में रहें, और सुख और चैन से तभी रह सकता है जब बंदे को सहन करने की शक्ति आ जाती है। समझाया, प्रतिदिन आता है पूछता है मालिक कोई काम, रोज तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई महात्मा तो आएगा नहीं, कोई ब्राह्मण तो आएगा नहीं, कोई साधु तो आएगा नहीं, आपने हमारे घर में आकर के ऐसा कर दिया है कि हमारे घर में कोई महात्मा आ गया है, हम रोज आपके दर्शन कर लेते हैं और अपनी आंखों को पवित्र कर लेते हैं। जब वो ये बोलता था ना चंडाल, उसकी चंडालनी सुनती थी और सुनते ही जल भुनकर राख हो जाती थी, अब उसके आगे तो बोल नहीं पा रही थी वो, पर जलने में कोई कमी नहीं थी। समय आपका हो गया, कल एक पंगा होने वाला वहां वहीं पे, देखो क्या गजब का काम हुआ, एक के पीछे भूत लग गया और एक के पीछे भूतनी लग गई, समझ गए ना आप, वहां लड़का पीछे पड़ गया और यहां दोनों की फितरत कैसी है उसका थोड़ा सा आनंद कल तो नहीं ले पाएंगे, है ना, कल तो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माल माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।